हेलो दोस्तों, आज मैं घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तो आज मम्मी और मुझे शाम को जाना है अंकल से मिलने के लिए, अंकल आंटी से मिलने के लिए। हाँ देंगे भाभी, हाँ। तो फिर इसलिए मैंने आज दिन में ही तैयारी कर ली है खाने की। दिन में बोले तो 2 बज चुके ऑलरेडी और मैं 5-6 बजे तक मैं सारा खाना रेडी कर दूंगी, क्योंकि हम लोग वहां पर जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, बातें 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, इसलिए मैं तैयारी करके बैठी हूँ आज। हाँ नहीं रहेंगे। दिखाती हूँ, आज मैंने सब्जी पहले रेडी कर दी है। आज मैं करेला बनाने वाली हूँ। मैंने प्याज भी कट कर दिए, ये लहसुन अदरक है और ये टमाटर है। आज ना मेरी मम्मी ने बना रखा था आम पन्ना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आम पन्ना काफी लोग जानते होंगे आम पन्ने को। ये है आम पन्ना, ये आम से बनता है। आम को बॉईल करके इसमें पुदीना, जीरा, नमक, चीनी और क्या क्या डलता है श्री, बस पता नहीं क्या क्या डलता है। तो अब मैं और मेरा भाई पीने जा रही है आम पन्ना। आप लोग यहाँ पर हम दोनों भाई बहन बातें करते करते बहुत ढेर सारी गप्पे कर रहे थे और मैं उसको बहुत ज़्यादा डांट भी रही थी और खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और वो बहुत बकवास कर रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी है और ऐसे करते करते गप सप करते करते मैंने उसके लिए खाना भी बना दिया और उसने बड़े मज़े से खाया। मैं भी खा रही हूँ, ठीक है। तो मैं भी खाने जा रही हूँ परमल की सब्जी। मेरी तो फेवरेट है परमल की सब्जी, मुझे बहुत बहुत ऐसी बनाए दो। हाँ ऐसी थोड़ी सी मम्मी के लिए रखती हूँ टेस्ट करने के लिए ना शाम को। सो सिंपल प्लेन खिचड़ी, ये वाली खा लेती हूँ। अब करेले को रख देती हूँ मैं यहाँ पर, इनको धो लेती हूँ, बर्तन थोड़ा रेस्ट करूँ। बहुत गर्मी है, मैं जब ससुराल से मायके आती हूँ सोचती हूँ खूब सोऊंगी खूब सोऊंगी, और जब यहाँ आती हूँ ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मेरी मम्मी बोलती रहती है सो जा, नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करती रहूँ। बस अब थोड़ी देर रेस्ट होगा, उसके बाद शाम को मिलते हैं जब मैं सब्जी बनाऊंगी। तो अब मैं इसे खाने जा रही हूँ, पहले मैं इसे काट के अच्छे से नमक मिर्च मिलाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी। इसको रगड़ के धोना बहुत जरूरी है, इससे इसके जो मैंने आप लोग को बताया था ना वाइट कलर के जूस होते हैं सब निकल जाते हैं। ओह गॉड, पानी कितना गर्म हो रहा है आजकल, जो पानी आ रहा है टंकी गर्म होने के चक्कर से इतना गर्म पानी आता है, ऐसा लगता है जैसे गीजर वाला छोटा सा आड़ू। मीठा बहुत है। पहले ना बचपन में हम बहुत ज्यादा आड़ू खाते थे, आजकल ये ज्यादातर स्पेशली ये ग्रीन वाले जल्दी से मिलते नहीं है, जगह जगह घर बन चुके, लोगों ने ये पेड़ पौधे आड़ू कुलुम होता है इन सब के ज्यादातर पेड़ वगैरह काट दिए। तो ये मिलता नहीं है जल्दी से। ये मेरी मम्मी लाई है, पता नहीं कहाँ से लेके आई है, बचपन की याद आ गई इसे खा के। और इतना मीठा हो रहा है, इतना छोटा सा है बट इतना मीठा हो रहा है, वाओ। तो मैं करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। गाइस मैं प्याज बहुत ज़्यादा डालती हूँ करेले में और हरी मिर्च, इससे करेला बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। हर चीज़ में प्याज ज़्यादा नहीं डलता, लेकिन ये जो करेला है ना करेले में प्याज बहुत ज़्यादा डलता है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि इसमें कोई और मसाले डलते नहीं है, तो प्याज डालेंगे तो उसकी टेस्ट जो आती है ना बड़ी
बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। करेला जो कि मैंने धो धा के बिल्कुल रेडी रखा हुआ था, क्योंकि आज हमें जाना था, मैंने बताया था अंकल जी के घर जाना है भजी से मिलने के लिए। उसके बाद करेले को बहुत अच्छे से फ्राई कर रही थी मैं, ताकि करेला बिल्कुल नीचे से जले भी ना और अच्छे से फ्राई भी हो जाए, क्योंकि जब इसमें मैं मसाले डालूंगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब ये अच्छे से भून जाएगा। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मसाले। और यहाँ पर मेरी दाल भी देखो रेडी हो चुकी है। मेरे ससुराल में ये दाल ना लाते हैं ना बनाते हैं, फेवरेट है और इतनी टेस्टी होती है ना। और यहाँ पर मैंने करेलों में मसाले डालने भी शुरू कर दिए। मैंने मसाले में सिर्फ इसमें नमक मिर्च हल्दी डाली है और इसको बहुत अच्छे से मिला लिया है। और अब इसको मैं कुछ देर के लिए पकने छोड़ूंगी। तो गाइस दाल के लिए मेरा तेल जो है गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी जीरा। मसाले में सबसे पहले डालेंगे जीरा, लहसुन और अदरक। जलने नहीं देती क्योंकि जला हुआ जीरा मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे ही लहसुन और लहसुन इसमें लाल होएगी उसके बाद मैं डालूंगी प्याज। और गर्मी कितनी हो रही है, अब इसमें डाल दिए मैंने प्याज, ये भी बनते जा रही है। मैंने कितना तेल डाला था, ये तेल पूरा सोख लिया है इसमें। गर्मियों के टाइम में गाइस खाना बनाना बहुत आफत है, इतनी गर्मी लगती है ना पूछो मत, पसीना पसीना हो गया है। प्याज बच चुकी है जो मैं फ्रीज के अंदर रखने जा रही हूँ डब्बे में बंद करके, क्योंकि प्याज को अगर खुला रखते हैं ना तो उसकी गैस क्या होती है पूरे फ्रीज के खाने को ख़राब कर देती है, बदबू जो होती है। कि दाल बना रही हूँ और करेले की सब्जी। तुझे करेला पसंद है? हाँ आपको पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है यार, क्या बात कर रहा। अरे देखो सॉफ्टी बनी है अंदर, सॉफ्टी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, तो सॉफ्टी अंदर है, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ वही तो, ना ना बाथरूम में तो कहाँ छुपेगी वो। क्या बात कर रहा। हाँ ये बाथरूम के अंदर गई, टॉयलेट के अंदर देखी मेरे सारे जो मैंने सारे कपड़े थे उसके वो कहाँ चले गए। पानी भी डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं नमक डालती हूँ। ओके दीदी को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। देखो देख मेरा चहेता आ गया, बोल कि दीदी के चैनल को प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, दीदी की वीडियो शेयर करना एंड फॉलो। हाँ फॉलो सब्सक्राइब करना। तो ये ड्राई फ्रूट ये मेरे घर में आके नीचे मत गिराइए हो, वेट इसको ये काफी देर से ड्राई फ्रूट देख रहा है, ले हाँ। अब खा इसमें से, क्या खाएगा बता। बस क्या तेरा फेवरेट है दिखा। और ये लिया है मैंने, क्या ये अच्छा क्या बोलते हैं इसको, किशमिश। हाँ, नहीं 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 पिस्ता, पिस्ता पिस्ता। ये पता है क्या है? क्या ये मक्की का आटा था और मंजू ने इसमें क्या करा बेसन डाल दिया, और ये अपना मक्की का आटा रहा ना ये बेसन रहा, बहुत ही बेकार सा हो गया। तो इसको अब हम इसमें ना कुछ कीड़े टाइप के भी पड़ रहे हैं, तो इसको यहाँ डाल देते गाय के लिए, है ना। गाय के लिए इधर डालो, इधर खाती है गाय। मम्मी ने यहाँ पे कटोरा रखा है गाय के लिए। ये तो कुत्तों के लिए रखा था शायद, गाय के लिए आई है। तो गाय सब मैं खाने वाली हुई है चूरन, मेरी पूजा पाठ भी हो गई, मेरा खाना भी बन गया है, अब मैं ये चूरन खाने। और मम्मी और मैं जा रहे हैं अंकल के यहाँ, मम्मी की आवाज सुन ली मैंने। हाय मम्मी। हाय पूजा। चले फिर आ गए आप। हाँ। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। अच्छा और अरे यार ये दीपू भी आ गया, हेलो कैसा रहा तेरा आज का दिन? बहुत बेकार। बेकार क्यों? अरे अरे आ गया एक और आ गया। हाँ पूजा पाठ सब हो गई है। तो चलो गाइस फिर अब हम लोग मम्मी और मैं जा रहे हैं अंकल के यहाँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये प्यारी मम्मी खुद ही आम पन्ना बनाई खुद ही पी, अपनी बेटी को पूछा भी नहीं। तू तो पी रहा खाना ऑलरेडी, बहुत टेस्टी बन रहा है, मुझे भी टेस्ट कराओ। मैं थोड़ा सा आपने तो पी रहा खाना ऑलरेडी पी रहा खाया, लेकिन मैं दिन में पिया था अभी, अब मैं पीने जा रही हूँ मम्मी के हाथों से। यम। ये हमारी सब मम्मी बनाने वाली है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती है।
नौटंकी मत कर, ऐसा करो मम्मी देंगे देंगे कर दो। तो मम्मी कर रही है हमारे खाने की तैयारी। हम लोग जहाँ पे गए थे आंटी लोगों से मिलके आ चुके हैं। भैया किसके लिए ये? आप खाना है इसको, दाल चावल। और मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। मम्मी मुझे जल्दी दो यार, मुझे करेला मत देना और चम्मच भी दे दो मुझे। लाइट खोलती है यार, लाइट अंधेरा हो रहा है। अब हम खा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत जोरों की। एंड उसके बाद मैं तो सोने वाली हूँ, थक चुकी हूँ। और उन्होंने ना हमको खीर दी है अंकल ने। ये खीर जब गाय ब्याती है, देखो ये तो फटने भी लग गई, तो फट गई, इतने जल्दी फट जाती है। उबलता थोड़ा 5-6 दिन में होता है। ये मुझे लग रहा अभी भी आई है अंकल, अंकल की गाय। और ये मैंने बादाम भिगा दिए सुबह के लिए, हम तीनों भाई बहनों के लिए बादाम भिगा के खाएंगे हम। प्याज भी काट देते हैं ना थोड़ा सा। वो दाल चावल। थैंक यू, वेलकम। तो बस गाइस अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी जल्दी से कोई आपको। आज ये घर पे बैठे बैठे मैंने सोचा एक अच्छी सी वीडियो बना लेती हूँ। पूरा दिन भर में मैंने क्या क्या करा, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, मैंने आपको बताया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।